नमस्कार दोस्तों दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की डेट को लेकर, फिजिकल एडमिट कार्ड और फिजिकल में जो बच्चे बुलाए जाएंगे 15 गुणा, उनको लेकर दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपके फिजिकल कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, उस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। और दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब की बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली है 15 गुणा की, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अब की बार थोड़ा सा सिलेक्शन लेना आसान है और 15 गुणा में कौन कौन शामिल हो सकता है, सभी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि 15 गुणा की कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे फलाने जिले से सीटी में इतने नंबर है तो मैं 15 गुणा में शामिल होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, उस मुद्दे पे हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों फिजिकल की डेट और फिजिकल एडमिट कार्ड को लेकर जो अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ज्यादातर बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो बाद में पछताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने कोई से भी जिले से फॉर्म अप्लाई कर दिया, भाई थोड़े बहुत कम नंबर भी बन रहे हैं ना 12th लेवल सिटी में, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और बिल्कुल आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, नहीं, लगभग 60,000 के आसपास, 55,000 से 60,000 के बीच में बच्चों को फिजिकल का कॉल आएगा, फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा और फिजिकल के लिए इतने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, कितने, लगभग 60,000 के आसपास को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला तो दोस्तों मैंने डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा डाउट मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, 272,000 फॉर्म आए हैं, तो आप खुद लगा लो दोस्तों बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है फिजिकल की, 15 गुना की कट ऑफ है ये, बहुत कम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि टोटल जो फॉर्म भरवा गए हैं दोस्तों सभी जिलों से वो सिर्फ और सिर्फ 272,000 है, इसका मतलब यह है 15 गुना की कट ऑफ है, वो ज्यादा नहीं जाएगी। तो वापस बोल रहा हूं, अभी भी आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भाई फिजिकल की तैयारी कर लो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप फिजिकल में पास हो जाते हो ना, तो वादे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, अब की बार आप वर्दी ले जाओगे, अब की बार आप नौकरी आपकी पक्की है। वो क्यों दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं, यदि 60,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है ना, तो आप क्या सोच रहे हो फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे? नहीं, लगभग 30,000 से 35,000 बच्चे फिजिकल में पास होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा है, जिनके सीटी में थोड़ी बहुत कम नंबर बढ़ रहे हैं ना, वो फिजिकल की तैयारी कोई नहीं कर रहा है दोस्तों। सब सोच रहे हैं कि मेरा 15 गुना में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मैं क्यों फिजिकल की तैयारी करूं, और उनको फिजिकल का कॉल आ जाएगा ना तो फिजिकल में भार हो जाएंगे। तो वापस बोल देता हूं, बहुत कम बच्चे फिजिकल में पास होने वाले हैं और सिलेक्शन लेना आसान इसलिए है कि जो बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे, लगभग 35,000 के आसपास फिजिकल में यदि बच्चे पास होते हैं तो उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा। और आप खुद जानते हो दोस्तों 35,000 में से यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप आराम से यहां पर सिलेक्शन ले जाओगे। और जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं ना, किसकी, पेपर की, कहीं ना कहीं उनका फिजिकल थोड़ा सा वीक होता है तो फिजिकल में भार हो जाएंगे, लेकिन पेपर में वो अच्छे हैं लेकिन फिजिकल में भार हो जाएंगे, तो जो अच्छी खासी जिनकी तैयारी है वो तो ऐसे ही दौड़ के अंदर भार हो जाएंगे। तो अब की बार दोस्तों पिछली बार के मुकाबले सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है। वो आसान क्यों है, मैंने सब कुछ आपको एक एक क्लियर कर दिया है कि अब की बार इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है कि पहले दोस्तों 17 लाख 18 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठते थे, अब की बार 30,000 से 35,000 बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे। और नए दोस्तों पेपर लीक होगा, क्यों नहीं होगा, 35,000 बच्चे एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो पेपर लीक कहां से होगा, एक ही दिन में एक ही पारी में एक ही जिले में आपके एग्जाम है वो ले ली जाएगी, तो पेपर लीक होने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अब की बार सिलेक्शन लेना आसान है, फिजिकल की तैयारी करो। दूसरे नंबर पे डाउट आ रहा है कि फिजिकल कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं और फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में दोस्तों जो पुलिस मुख्यालय ने जो न्यूज़पेपर वालों को खबर बताई है कि फिजिकल कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, अक्टूबर का मंथ बताया है, तो दोस्तों सितंबर लगभग जाने वाला है, इसके बाद में अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अक्टूबर के मिड तक आपके फिजिकल है, आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा अक्टूबर के मिड तक। तो अब ज्यादा समय नहीं है, कभी भी आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड है वो साइट के ऊपर जारी हो सकते हैं। बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि पहले 15 गुणा की लिस्ट आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चुनावों से पहले पहले इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है तो वो ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जो बच्चे 15 गुणा में शामिल हो रहे हैं उनको फिजिकल का कॉल आ जाएगा, फिजिकल का एडमिट कार्ड उनकी साइट के ऊपर डाल दिया जाएगा, तो कभी भी आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो सकते हैं। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो सभी डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिया। अब भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।